everybody, hi. I hope you all are doing well. Welcome back to my channel. मेरा नाम है निष्ठा. अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा. अगर आप मुझे पहले से देखते हैं तो थैंक यू वेरी वेरी मच. ये जो वीडियो है ना, बहुत ही रैंडमली मैं शूट कर रही हूँ. मैं जस्ट बैठी थी संडे, आज बोर हो रही थी. मैंने कहा क्या करूँ. देन आई रियलाइज कि यार मैंने H&M से बहुत ज़्यादा शॉपिंग करी है, तो चलो बस शुरू हो जाओ. क्या है, बहुत ही नॉन फिल्टर सी वीडियो है. कुछ भी फेस पे नहीं लगाया हुआ है, पीछे भी बैकग्राउंड में सब ऐसे इधर उधर ही हुआ है. ज़मीन पे बैठी हूँ मस्त, एंड आई एम इन टू माई पजामाज. आई थिंक दिस इज द मोस्ट कम्फीएस्ट क्लोथ वाइज वीडियो आई एम शूटिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल. सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो. बट बिफोर स्टार्टिंग, मैं हमेशा अपने कुछ प्रोडक्ट्स के रिव्यू देती रहती हूँ एंड दे आर ऑलवेज एक्सट्रीमली ऑनेस्ट. सो आई एम बैक विद अनदर रिव्यू. ओके, सो आई एम यूजिंग, दिख रहा है कैमरे में, हाँ आई एम यूजिंग दिस सनस्क्रीन फ्रॉम डॉट एंड फ्री, विच इज विटामिन सी प्लस ई सुपर ब्राइट सनस्क्रीन विद SPF 50, एंड दिस इज रियली वेरी नाइस. अभी एक दिन पहले, लाइक एक दो दिन पहले आई वेंट आउट, आई वॉज नॉट वेयरिंग दिस, पता नहीं मैं कैसे भूल गई और मेरे फेस का बुरा हाल हो गया. बट जब भी मैं इसे लगा के जाती हूँ, ट्रस्ट मी, आई डू नॉट पुट एनीथिंग ऑन माई फेस. आई एम नॉट अ मेकअप फ्रीक, तो एक सनस्क्रीन से ज़्यादा मैं कभी कुछ नहीं लगाती हूँ. एंड दिस इज़ एब्सोल्यूटली ग्रेट प्रोडक्ट. इसमें नंबर ऑफ वेराइटीज़ हैं जो ईजिली अमेजोन पर अवेलेबल है. मैंने भी अमेजोन से मंगाया था. मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इफ़ इन केस यू गाइज वॉन्टेड टू ट्राई. माई ऑयल, आई हैव अ ऑयली स्किन, समटाइम्स ड्राई स्किन, सो इट वर्क्स फॉर मी, सो यू कैन ऑल्सो ट्राई. ओके, नाउ लेट्स गेट इन टू द वीडियो. लेट मी शो यू दिस. मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है H&M से. अभी ये जो शॉपिंग है ना, मैंने एकदम ऐसे नहीं करी है. कुछ मैंने लास्ट मंथ लिया था और कुछ मैंने अभी रिसेंटली लिया है. मतलब रैंडमली कुछ प्लान नहीं था मेरा, बट H&M में लिटरली बहुत अच्छा स्टॉक आया हुआ था, तो आई जस्ट थॉट ओके लेट्स गिव इट अ ट्राई. कभी कभी रैंडम शॉपिंग भी करनी चाहिए. तो हम अपनी जो शॉपिंग मैं आपको दिखाने वाली हूँ, वो मैं पहले पुरानी वाली शॉपिंग से शुरू करूँगी. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे क्लोथ्स ऑलरेडी ट्राई किए हैं. बाय द वे, आई एम वेयरिंग दिस निर्वाणा टी शर्ट विच इज़ फ्रॉम H&M, एंड ये मेरा भी रीसेंट बाय है. दिस इज़ द मोस्ट कम्फर्टेबल, इसका क्लोथ इतना अच्छा, इतनी अच्छी टी शर्ट है, मतलब आई कांट इवन एक्सप्रेस. सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो. सो इट या सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दिस इज़ द वेरी वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट. मुझे बहुत टाइम से ड्रेस लेनी थी. मेरे पास जितनी भी ड्रेसेस थी वो सब पुरानी हो गई थी, एंड कॉटन ड्रेस चाहिए थी. सो मुझे ये H&M पे दिखी. वैसे मैं रेगुलरली H&M का एप्लीकेशन भी देखती रहती हूँ, तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसे शॉर्टलिस्ट किया हुआ था. दिस इज़ द प्रिंट, इतनी गोवा वाली वाइब्स दे रही है ना ये ड्रेस, और ये पहनने में इतनी कम्फर्टेबल है. मैं यूजुअली जो साइज़ पहनती हूँ, या तो वो मैं M पहनती हूँ, और समटाइम्स अगर मुझे ओवर साइज में जाना होता है तो मैं XL लेती हूँ. बट H&M में मुझे ये S ज़िंदगी में S नहीं पहना होगा, मुझे ऐसा लग रहा है जब से मैं बड़ी हुई हूँ और बाहर से मैंने शॉपिंग करना शुरू करा है. बट दिस इज़ द S साइज, एंड लुक एट द प्रिंट, इतना प्यारा है. नॉर्मली शूज़ के साथ पहनूँ, स्नीकर के साथ पहनूँ, मैं तो अपने बर्किंस के साथ पहनती हूँ, एंड आई लव दिस ड्रेस. देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्लॉथ आइटम, विच इज दिस स्ट्राइपी टी शर्ट. मुझे ना एकदम कोका कोला वाली फील देता है. आई थिंक कैमरा पे, क्योंकि थोड़ा स्ट्राइपी है तो इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट इट्स अ कॉटन टी शर्ट. आई लव इट. इतनी कम्फर्टेबल है, इसे तो मैं पता नहीं कितनी बार पहन चुकी हूँ विद इन अ मंथ. देन मूविंग टू द नेक्स्ट आइटम, आई एम अ शर्ट पर्सन. आई एम गोइंग टू डिनर, आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम गोइंग एनीवेयर, आई कैन वेयर शर्ट्स एनीवेयर एनी टाइम. सो द नेक्स्ट परचेज इज दिस कॉटन वाइट शर्ट. इट्स अ लिनन शर्ट. आई एम इन लव विद दिस शर्ट. सो मैं अपनी एक बिजनेस मीटिंग के लिए हैदराबाद गई थी, तब मैंने ये शर्ट पहनी थी. ओ माई गॉड, दिस इज लवली. लुक एट द क्लॉथ. इसमें सेल्फ में एक डिज़ाइन है, कैमरा के पास किया है जिससे आप लोग देख पाएँ. इट्स लवली, एंड ये ओवर साइज मैंने लिया है, क्योंकि
शर्ट मीन्स कम्फर्ट फॉर मी. आई लव दिस शर्ट. इसे ब्लू कलर के डेनिम्स के साथ डालो, थोड़ा सा लूज बॉट कट के साथ डालो, इट विल गिव यू अमेजिंग लुक. दिस इज द शर्ट, लवली शर्ट. एंड ये नीचे से यू शेप में है और पीछे इसमें एक ट्विस्ट है. दे हैव दिस ओपन डिजाइन फ्रॉम बैक. लवली शर्ट, लवली एंड बहुत रीजनेबल है. आई थिंक ये मुझे कुछ 1499 समथिंग की पड़ी है एंड आई थिंक इट्स वर्थ इट. ब्यूटिफुल शर्ट. नाउ मूविंग टू अनदर शर्ट ऑफ कोर्स. सो आई एम हैविंग अनदर शर्ट विच इज इन क्वाइट थिक मटेरियल. इट्स अ कॉटन शर्ट, इट्स अ स्ट्राइपी शर्ट. आई एम इन लव विद स्ट्राइप्स, चेक्स. मतलब कभी भी खरीद सकती हूँ मैं अगर मुझे इन दोनों में कोई भी बहुत अच्छा वेराइटी मिल रहा है. सो इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल शर्ट. इसे खोल के पहनो, बंद करके पहनो, पजामे के साथ पहनो, जीन्स के साथ पहनो, इट्स लवली. फुल स्लीव्स है ये एंड बहुत ही प्यारी है. बेबी पिंक लगती है दूर से, पास से देखोगे तो स्ट्राइप्स दिखाई देंगी. बट मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था. एक्चुअली मेरे पास एक ऐसी शर्ट है बट वो एक डिफरेंट मटेरियल में है, अगेन फ्रॉम H&M. वाइट एंड ब्लू स्ट्रैप्स हैं उसके जो कि बहुत ही प्यारे हैं. सो लव इट, लव इट. इसे भी मैं 2 या 3 बार ऑलरेडी पहन चुकी हूँ. सो इन सब प्रोडक्ट्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अगर मुझे वेबसाइट पर दिखे तो. नहीं तो मोस्ट ऑफ दिस शॉपिंग इज कम्प्लीटली फ्रॉम द स्टोर. नाउ मूविंग टू दिस बैग जो कि मैंने अभी 4 दिन पहले खरीदा है. ओके, सो वाइट शर्ट जो मेरे पास थी, मैं चाहती थी कि उसको मैं थोड़ा सा एक इस तरीके का एक आउटफिट उससे बनाऊँ कि नीचे वाइट पैंट्स हो या कुछ कुछ ट्राउजर्स काइंड ऑफ थिंग हो या कुछ पजामा काइंड ऑफ चीज़ हो जिसे मैं कैजुअली पहन के बाहर भी जा सकती हूँ. सो आई गॉट इट. आई गॉट एग्जैक्टली सेम मटेरियल, सेम कलर पजामा इन H&M. एंड जब मैंने इन दोनों को पेयर किया दे वर लुकिंग सो सो नाइस. इसका स्टफ एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा मेरी शर्ट का है. लेट मी शो यू देम टुगेदर. सो इट्स गोइंग टू बी माई वाइट वाइट आउटफिट. मतलब ये तो मैं सोच के गई थी और लकीली मुझे मिल गया. मैंने H&M में ऐप पे चेक किया था, देयर वर मल्टीपल कलर्स बट मुझे नहीं पता था कि इतना क्लोज मुझे ये पजामा मिल जाएगा. एंड आई एम अ पजामा पर्सन, आई कैन वेयर पजामा एनी टाइम एनी वेयर. आई लव वाइट, आई लव बेज कलर्स. H&M में जो ये बेज वाला कॉन्सेप्ट चलता है ना, ब्लैक वाइट बेज ग्रे, दैट इज माई थिंग. मुझे वो बहुत बहुत पसंद है. मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज अगेन अ टी शर्ट. मैंने ये 2 T-shirt ली थी रिसेंटली. एक ये नर्वाना ली थी विच इज इन ग्रे कलर. वैसे मैं डिसाइड करके गई थी कि मैं कुछ नए पॉपअप कलर्स ढूंढने की कोशिश करूंगी बट आई एंड अप बाइंग देम. सो इट्स अ ABCDC एंड इट्स अ ओवर साइज शर्ट बट आई बॉट इट इन S साइज. लवली. इसकी जो ये नेक पे डिटेलिंग है ना, ये जो मतलब लुक देती है एक स्वेट शर्ट वाला, इट्स वेरी वेरी लवली. आई एम सो एक्साइटेड टू वेयर दिस. लुक एट द साइज, लुक एट द फिट. इट्स गोइंग टू बी ओवर साइज. आई लव इट. देन आई एम एक्चुअली अ काइंड ऑफ पर्सन जो कट स्लीव्स ऑफ कोर्स पहनती हूँ लेकिन इंडियन में. फॉर एग्जाम्पल आई एम वेयरिंग साड़ी, सो आई लाइक वेयरिंग कट स्लीव्स ब्लाउज, राइट. बट इन टर्म्स ऑफ टॉप, इन टर्म्स ऑफ लाइक फैंसी वेस्टर्न वेयर, आई हार्डली वेयर कट स्लीव्स. या तो वो बिल्कुल ऑफ शोल्डर होता है या वो फुल स्लीव्स होता है. दिस इज व्हाट आई हैव इन माई माइंड बट दिस टाइम आई थॉट why not give it a try to these sexy ganjis hi bolta hai, I think kya bolte hai, I don't know but ye jo bhi hai it's lovely. Let me just check if it's actually cool and it's kuch likha hai to. Okay, it's a tank top, it's lovely. Aur ye bahut time se main soch rahi thi ki nahi yaar lena chahiye but I'm not that fat but I have a broad shoulder
तो आई एम लिटिल कॉन्शियस कि मैं ये क्रॉप और टैंक टॉप अगर डालूंगी तो मैं अच्छी लगूंगी या नहीं लगूंगी, बट आई सेड छड्डो पड़े, दुनिया की किसको पड़ी है, तो मैंने ये ले लिया। एंड इसको हम पैंट्स के ऊपर पहन सकते हैं, ये पजामे के साथ डाल सकते हैं, ऊपर से इसे ओपन करके शर्ट डाल सकते हैं। इट्स लवली 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 लवली। मूविंग टू द नेक्स्ट आइटम विच इज क्वाइट सिमिलर टू दिस टैंक टॉप, आई बॉट एग्जैक्टली सेम टैंक टॉप इन ब्लैक कलर, क्योंकि व्हाइट एंड ब्लैक इज मस्ट, आई लव इट। तो ये रहा मेरा दूसरा, आई थिंक ये बहुत क्यूट है। H&M में मैंने एक चीज़ नोटिस करी, दे हैव टू डिफरेंट सेक्शंस। सो इफ आई टॉक अबाउट दीज टू टैंक टॉप, दे कॉस्टेड मी 799, एंड एग्जैक्टली लाइक दीज टैंक टॉप दे वर हैविंग अ डिफरेंट सेक्शन, जहाँ पे द कॉस्ट ऑफ द टैंक टॉप वॉज आई थिंक वॉज 499 और 399, समथिंग लाइक दिस, बट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट वॉज नॉट गुड, सो आई चूज टू टेक देम। दिस इज लवली 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 लवली। आई थिंक द मोर आई एम ग्रोइंग प्रोफेशनली और मोर आई एम ग्रोइंग एज वाइज, आई एम गेटिंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। देन लास्ट बट द नॉट द लीस्ट, द मास्टर मास्टर प्रोडक्ट, आई बॉट जीन्स फॉर माई सेल्फ। इट्स नॉट एग्जैक्टली बॉट कट, आई थिंक इट्स कॉल्ड बॉयफ्रेंड जीन्स और मॉमी जीन्स, आई डोंट नो, बट आई लव द कलर, आई लव द कलर। इतना प्यारा कलर है, इतना सही लग रहा है, इतना कैजुअल चिक लुक है, लवली। मतलब आई एम सुपर सुपर हैप्पी। ये कलर इफ यू विल सी ना, तो इट्स हैविंग दैट मस्टर्ड शेड है, एग्जैक्टली डार्क नेवी ब्लू भी नहीं है। ऐसा होता है ना जैसे आपने बहुत टाइम से बहुत कोई जीन्स पहनी एंड यू हैव नॉट गेट योर जीन्स वॉश्ड, सो इट्स लाइक दैट, थोड़ा डर्टी लुक देती है, बट आई लव इट। आई एम अ मिलेनियल बट आई एम फीलिंग लाइक आई एम हैविंग अ टेस्ट ऑफ जेन ज़ीज़। सो ये थी मेरी शॉपिंग, और मैंने इस शॉपिंग में बहुत सारे पैसे खर्च करे, बहुत सारे पैसे अपनी जेब से, हर तरीके से। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस शॉपिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्यू प्रोडक्ट्स आई वॉन्ट टू show you guys, which is actually not from H&M, but I must recommend you all, क्योंकि मुझे recommend करने की आदत है, बेफालतू में अपनी सलाह लेने की आदत है। So if you have noticed, I'm wearing this strap with my Apple Watch from quite few time. This strap is from a daily object. It costed me around 1000 rupees, but it's lovely. Because the same kind of strap I have ordered from Amazon, that costed me $600, but the quality was so bad. मैंने उसको पहना and I realized the magnet is not working and the color is also fading from different places. So very first day मैंने उसे return करा लिया, then थोड़ा expensive है of course, but I bought this from Daily Object and it's ऑसम। मैं इसे जिम पहन के जाती हूँ, मैं इसे हर जगह पहन के ऐसे कहीं भी चली जाती हूँ, एंड आई थिंक इट लुक्स लवली, और एक बहुत ही रिच लुक देता है मेरी वॉच को, सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस। एंड वन मोर प्रोडक्ट, दीज लेगिंग्स। सो यूजुअली मैं जब भी ये लेगिंग्स डालती, इस टाइप का लेगिंग डालती हूँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, अगर आपने देखा है, तो इधर आई एम टेकिंग माय लेगिंग्स फ्रॉम नाइकी और पूमा और H&M, बट दिस टाइम आई हैव ट्राइड माय हैंड्स ऑन ब्लिस क्लब, एंड मैंने डायरेक्टली एक्चुअली ब्लिस क्लब से लिया नहीं, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट। सो वन ऑफ माई फ्रेंड गॉट इट फ्रॉम ब्लिस क्लब एंड शी वॉज हैविंग सम साइज इशू, एंड बाई चांस आई एम हैविंग द सेम साइज, सो शी आस्क्ड मी इफ आई वॉन्टेड टू टेक इट, एंड आई एक्चुअली गॉट इट फ्रॉम हर, एंड इट्स अ लवली लेगिंग्स। मतलब ये इतने सॉफ्ट हैं, इतने सॉफ्ट हैं, इसे कुर्ते के नीचे पहनो, इसे जिम पहन के जाओ, इसे कैजुअली बाहर जा रहे हो पहन के जाओ, दिस इज द मोस्ट कम्फीएस्ट लेगिंग इफ आई कंपेयर इट विथ पूमा, नाइकी एंड H&M, आई वुड रिकमेंड ब्लिस क्लब। इट्स लवली 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 लवली। सो
So I'm really happy with my purchase, and I know that I have said lovely a lot of time for all my clothes, but that's okay because I'm very happy. So thank you so much, guys. That's all for this random haul. And if in case you guys are not following me on Instagram, I will post the link of my Instagram below. You can follow me there also. And thank you so much for watching this video. I hope to see you guys very soon again. Tab tak ke liye, thank you and bye bye. Take care, guys.